केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ स्वर्णम शाह। समाज सेवी अली अकबर के दो पुत्रों ने 40 टीबी मरीज को गोद लिया। समाज में असहाय और निर्धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं अजहर इस्लाम और मजहर इस्लाम। पाकुड़ पुराना सदर अस्पताल में समाज सेवी अजहर इस्लाम एवं मजहर इस्लाम ने 40 टीबी मरीजों को गोद लिया है। साथ ही हिरणपुर बेल पहाड़ी खनन क्षेत्र में मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर मुफ्त इलाज कराया और सूखा राशन वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर एहतेस सामुद्दीन उपस्थित थे। वहीं अजहर इस्लाम ने बताया कि 40 टीबी मरीजों को गोद लिए हैं, जिन्हें 6 माह तक सूखा राशन देकर सहायता करने की बात कही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल केलांचल टाइम्स के साथ बने रहे। मिलते हैं नई खबर के साथ। धन्यवाद। प्रेरणा मुझे मेरे फादर से ही मिलती है, गरीब लोगों का हेल्प करना, गरीब लोगों का देखभाल करना। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो अभियान है कि हम लोग भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाना है, तो एक्चुअली टीबी जो बीमारी है ना, वो हम लोग के सबके बीच में रहता है। अभी जैसे आप लोग 10 आदमी है, 10 आदमी से अगर 5 आदमी का हम टेस्ट कराया जाए तो हो सके आपका टीबी रहे, लेकिन वो टीबी जो है इम्यूनिटी के कारण टीबी दबा हुआ रहता है। अगर अच्छा खाना, अच्छा अगर न्यूट्रिशन आपको मिलते रहे तो वो बीमारी उभर के नहीं आएगा। तो टीबी का बीमारी एक ही शर्त पर हट सकता है कि जो टीबी पेशेंट है उसको बढ़िया आपका पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, जिसके कारण कि वो टीबी दबा हुआ रहेगा, वो उभर के नहीं आ पाएगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैंने आज 40 पेशेंट को गोद लिया है और इन लोगों को मैं 6 महीने तक जहाँ तक भी राशन, जो भी प्रोटेशन, जो भी जरूरत पड़ेगा, मेडिकल का जो भी दरकार पड़ेगा मैं करूँगा। देश में, भारत में टीबी जैसे गंभीर बीमारी को देश को मुक्त करना है इस बीमारी से, जिसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और रेजिस्टेंस गैस घटे और टीबी से मुक्त हो सके। इसलिए पूरे देश में, जिला में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी के इलाजरत पेशेंट को गोद लेना है। MS अजहर इस्लाम स्टोन माइंस के ऑनर के द्वारा आज 40 पेशेंट को गोद लिया गया है, जो हर महीने 6 मंथ तक इन लोगों को ये न्यूट्रिशनल सप्लाई करेंगे, फूड बास्केट सप्लाई करेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है स्वास्थ्य विभाग। आपके चैनल के माध्यम से पाकुड़ की जनता को, सारे बुद्धिजीवी को, सोसाइटी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, टीबी पेशेंट को गोद लीजिए और अपने ज़िले को टीबी से मुक्त कीजिए। इसके लिए टीबी जैसे गंभीर बीमारी से ज़िला को मुक्त करने का जो टारगेट है वो 2025 है। मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से, आगे आए, टीबी के पेशेंट को गोद लें, अपने ज़िला को सुरक्षित रखें। थैंक यू। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।